तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत के साथ रोज से मैं शुरू कर रहा हूँ इस व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि मैं जा रहा हूँ किसी काम से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि भैया की तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, और ये डॉक्टर बाबू वाला ही वो है मेडिकल। थोड़ी सी बातचीत तुम करना जानते हो ना, तो तुम्हारा काम बन जाता है। अभी नंबर कई सारे लग गए थे, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग बिठा दी मैंने, तो जल्दी नंबर आ जाएगा। एज यूजुअल जैसे जाम लगता है वैसे ही लगा हुआ है। मैं तो शॉर्टकट से ही निकल के आ गया हूँ, बीच के शॉर्टकट है बहुत ही कम लोग को पता है, ऑब्वियस है। लेकिन बाइक वगैरह वाले एक डालते हैं ना गाड़ी, बट सबके सब इसी में डाल देते हैं, रेल बना देते हैं भाई। दीवार ऐसी हो रखी है कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है इसका, इतनी पुरानी, और गिरेगी भी ऐसे ही क्योंकि इधर ही की तरफ फोर्स आ रहा है, बहुत डेंजरस है यार। जब डालने के लिए कुछ होता है ना, तब कुत्ते नहीं रहेंगे, वैसे तो पड़े रहते हैं दिन रात, तो डस्टबिन में ही डाल देते। भाई ऊपर तौलिया लेने के लिए आया था, एकदम जला देने वाली धूप है आज तो, भयानक टैनिंग वाली। भागो नीचे यार, देखो नींद में झटके लग रहे हैं सब। देखो कूड़ा बशरते हो, लेकिन उसके ऊपर फूल देखो कितने अच्छे लगे हुए। एज यूजुअल धूप छाँव चालू हो चुकी है, निकलते ही घर से बाहर। ये बात नोटिस करिए तुमने, जो गाड़ियाँ नहीं निकल रही होती हैं ऐसे रोड से, उसमें पीछे जो खासतौर पर बच्चे बैठे होते हैं ना छोटे भाई, ऐसे ऐसे पड़े हुए होते हैं ना, ये तो उनका दुनिया में सब कुछ लुट गया होगा। तो अभी ये फ्रूट्स वगैरह तो ले लिए मैंने, अब इसके बाद जाना है मेडिकल पे, क्योंकि मेडिकल से एक दवाई रह गई थी। देखें यहाँ गुप्ता जी के यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। यार ये टैबलेट तो ले लिया गुप्ता जी के यहाँ से, इंडेक्सिन ओ करके कोई है टैबलेट, और 20 रुपये की दो पड़ी है, बहुत महंगी टैबलेट है यार। 2 दिन हो गया ना पबजी से मिला नहीं मैं, पबजी जिनको नहीं पता वो दुकान वाला लड़का है, तो उसकी आंखों में कुछ हो रखा था, तो मैंने नोटिस कर लिया। अरे ये पकड़ कैसे गया। गुड मॉर्निंग, उठ चुकी है, उसने निपटा दिया मामला पूरा। तो यार अभी हुआ ये है ना कि भैया की कुछ दवाइयाँ रह गई थी, मतलब जैसे उनकी आंखें लाल हो रही हैं और ये सब चीज़ों का, तो मैंने कहा कि दवाई ले ही आता हूँ मैं दोबारा पता करके, क्योंकि दिक्कत बढ़ जाए कोई फायदा नहीं, नींद भी नहीं आ पा रही ना, फिर दिक्कत हो जाती है। यार ड्रॉप तो लिखवा लिया मैंने, जाके ड्रॉप ले ही आता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए भैया के लिए, और 150 रुपये किलो है भाई, बहुत महंगा हो गया रेट। ये बच्चों को गाय के लिए डाल देता हूँ, गाय खा लेगी। साइड में तो फिलहाल जा रहा हूँ भैया के लिए बना लेता हूँ कॉफ़ी, और उसके साथ ब्रेड की 2 स्लाइस सेक दूंगा, तो उससे खा लेगा तो थोड़ी एनर्जी बन जाएगी बॉडी में। फिर उसके बाद आज मैं पहली बार सोच रहा हूँ कि खाना बनाने का भी ट्राई कर दूँ, क्योंकि यार अब सिचुएशन भी ऐसी आ गई है, तो सीखना भी यही है, तो आज ही से क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुई ना, तो गैस की स्लेम बहुत गंदी हो रही है, उसे साफ कर ले लूँगी। अरे यार आदत नहीं है ना, तो एक गड़बड़ और हो गई, मैं चाय के लिए जो लेकर आते थे दूध का पैकेट छूटा वो ले आया था, तो जा रहा हूँ अभी मैं दूसरा पैकेट लेने के लिए। ये लड़का देख रहा है, सुबह मैंने इसे डरा दिया था, ऐसे सामने से आ रहा था ऐसे मस्ती में, ऐसे तो झूलता घूमता ढूंढ करके डरा दिया था। तो अभी देखते हुए जा रहा था मैं। भैया के लिए तो कॉफ़ी और ब्रेड सेक के तैयार कर दी मैंने, और मैं जा रहा हूँ अपना इंतजाम करने के लिए, क्योंकि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है यार, तो भूख लग रही है बहुत तेज़ है ना। यार अभी मैं छत पे आया हुआ था कपड़े लेने के लिए, अरे कपड़े ले लिए, बस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मौसम अच्छा हो रखा है, काफ़ी हवा चल रही है, और बाल बिगड़ने से याद आया मुझे कि बाल कटवाने में जाने। तो
अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, भैया का बुखार उतर चुका है, तो थोड़े से एप्पल काट देता हूँ, खा लेंगे, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी बॉडी में। तार या पीछे से छूता रहता ना गर्दन ऐसे, चिपक जाऊंगा मैं, मतलब मजाक की बात नहीं है, थोड़ा दिमाग से रहना पड़ेगा मुझे इसके आसपास, लेकिन हो जाएगा गेम नहीं। तो शाम के बज गए 6 और हर दिन की तरह मैं निकल चुका हूँ वही एक्सरसाइज के लिए, सेम पार्क सेम जगह, रूटीन एकदम मना के रखूँगा, इसमें मैं ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक दिन भी ड्रॉप होता है ना फिर निकल ही जाता है यार अगला दिन भी ऐसे। और यार ऊपर से बारिश का मौसम ना अजीब ही हो रही है, बारिश 2 सेकंड की होगी फिर रुक जाएगी, फिर होगी फिर रुक जाएगी, भाई हर तरफ बारिश ही बारिश और कीचपिच कीचड़ हो रखी है। पार्क में भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत घास बिछी हुई ना। तो वर्कआउट आज कल की तरह ही बहुत भयानक हुआ है आज भी, और बाकी जितने बच्चे थे आज वो बड़े एक्साइटेड हो रखे थे, तो एक आध वीडियो मैं शूट कर रहा था उन लोग की, शायद वीडियो डालूंगा ऐसा, तो पूछ रहे थे भैया चैनल है आपका बताइए, और ये सब एक्साइटेड हो ही जाते हैं बच्चे। अभी बस घर जा रहा हूँ मैं, टाइम बहुत हो गया है, भैया की तबीयत अब सही है पहले से, जाकर देखते अभी क्या हाल है। चलिए थकते गए, चलिए चलते हैं, प्यास लग रही है यार बहुत तेज, तो पसीना बहुत ज़्यादा हो रखा है। लेकिन अभी भी घर पहुँचा तो याद आया कि कुछ सामान लेना बचा हुआ है, जैसे हींग जीरा वगैरह, खिचड़ी बनाएंगे ना हल्का फुल्का सा कुछ खाएंगे, तो वही हींग जीरा वगैरह लेने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ, डंडिया मार्केट यहाँ से बहुत ही पास पड़ती है घर के पीछे, कई बार मैं ले जा चुका हूँ, तो डंडिया मार्केट ही बोलते हैं। चलिए बस चलते हैं भाई, डरना किसी। हेलो, यस यस, व्हाट, क्या दिक्कत है आपकी? यार वापस से मैं मेडिकल की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि कफ सिरप लेकर आना है भैया, वो खांसी वगैरह चालू हो गई है ना, तो उसके लिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो, नाम क्या तुम्हारा? रवि। रवि,